कैबिनेट में लिया गया फैसला, 75% ब्रांड गरीबों के लिए होगा रिजर्व। नमस्कार, मैं हूं राधा गौर, द खबरदार न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने की राह आसान हो गई। दरअसल एमपी के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में बड़ा निर्णय लिया। कैबिनेट के फैसले के अनुसार प्रदेश के ऐसे जिले जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहां के जिले अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड दिया जाएगा। इसके लिए पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर कार्य होगा और प्राइवेट एजेंसियां काम करेगी। बताया गया है कि मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड होने के बाद इन अस्पतालों के 75% विस्तार गरीबों के लिए रिजर्व होंगे, जबकि विशेष 25% ब्रांडों के इस्तेमाल का हक प्राइवेट कंपनियों को रहेगा। बता दें कि सोमवार को वंदे मातरम गायन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता बैठक हुई। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट के सभी अध्यक्ष अयोध्या दर्शन के लिए रवाना हुए। पीएम ने कहा कि अयोध्या धाम की यात्रा के बाद प्रदेश के विकास और धार्मिक पर्यटन से जुड़े कई निर्णय की मूर्त रूप से दिया जाएगा। हमारी सरकार अयोध्या धाम में मध्य प्रदेश की यात्राओं के लिए धर्मशाला का निर्णय कराने और हमारे प्रदेश के मुख्य धार्मिक स्थानों पर अन्य प्रदेशों की सरकार को स्थान उपलब्ध कराकर धर्मशालाएं बनवाने का प्रयास करेगी। कैबिनेट में ये फैसले भी हुए। बैठक में ये भी तय हुआ है कि आगे के ग्रामीण पंचायत विभाग में तैनात सचिवों के परिवार के सदस्य को अनुकल्प नियुक्ति दी जाएगी। जिले के बाहर भी तबादले हो सकेंगे। 2000 प्रोफेसर पीएचडी करने के लिए 2000 प्रोफेसर पीएचडी करने के लिए अधिकृत होंगे। इसमें आगे कुल गुरु बनने की योग्यता भी बन जाएगी। डायल 100 की संचालन कंपनी की 6 माह की सीमा बढ़ाई। उज्जैन और जावरा के बीच 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे का निर्माण होगा। इसके लिए 5000 करोड़ का बजट रखा गया। न्यायिक अधिकारों के 50% के लिए ग्राम मंगेली बरेला बाईपास रोड जबलपुर में भवन निर्माण कराया जाएगा। भवन निर्माण लागत 48,584 करोड़ रुपए। वही सिंचाई और पीडब्ल्यूडी विभाग की पुरानी योजनाओं के काम पूरे करने के लिए बजट स्वीकृत किया गया। 2000 से ज्यादा गांव में लगभग मिलेगा। वही भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना भी शुरू की है। योजना के तहत तो स्मार्ट शहरों में से 18 शहर का चयन किया जाएगा। इन शहरों को लगभग 135 करोड़ की राशि दी जाएगी। इसमें 50% राज्य शासन का समावेश भी होगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई और खास खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ।